ओमकार साधना। ओमकार में तीन मंत्र होते हैं, अ, उ और म। ये तो तय है कि सारा संसार अणु से बना है। हर वस्तु में लहरें होती हैं, जो तरंग और ऊर्जा प्रसारित करती हैं। अणु में केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, जैसे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उनसे ऊर्जा निकलती है। इसका मतलब ये है कि अणु से निकलने वाली ऊर्जा और ब्रह्मांड से निकलने वाली ऊर्जा एक सी है। जैसे ही हम अ, उ और म का उच्चारण करते हैं, हमारे शरीर में ऊर्जा कार्यान्वित होती है, सारे रोग दूर होते हैं और शरीर प्रभारित होता है। ओमकार साधना बहुत ही आसान है, इसके लिए कोई कष्ट भी नहीं होता और ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। तो चलिए अब हम ओमकार साधना करते हैं। ओमकार साधना। सुखासन या पद्मासन में बैठ जाइए, आंखें बंद, पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर। प्रत्येक आने वाली और जाने वाली श्वास प्रश्वास को गिनते जाइए। हर आने वाली श्वास एक औषधि है, जो हर जाने वाली प्रश्वास के साथ शरीर के सारे रोग, तनाव, खिंचाव शरीर से बाहर लेकर जा रही है। धीरे धीरे पूरा ध्यान शरीर पर। लंबी गहरी श्वास भरें और ओम नाद करें। महसूस कीजिए कि आपका सारा शरीर शिथिल और शिथिल और शिथिल होता जा रहा है। शरीर हल्का और हल्का और हल्का होता जा रहा है। मन ही मन तीन बार संकल्प करें, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। अब दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें, गरम हाथ आँखों को लगाएं, धीरे धीरे आँखें खोलेंगे। ओम में तीन स्वर होते हैं, अ, उ, म। ओमकार का उच्चारण तीन तरीकों से किया जाता है, एक अ लंबा, उ छोटा, म छोटा। अ दो, अ छोटा, उ लंबा, म छोटा। तीन, अ छोटा, उ छोटा, म लंबा। लाभ। इस साधना से अनुवांशिक विशेषता शुद्ध होती है और वंशानुगत रोगों का निवारण होता है। मानसिक तनाव दूर होते हैं। डॉक्टरी इलाज के बाहर की बीमारियों का हमेशा के लिए निवारण होता है। इस साधना से सामान्य मनुष्य के हृदय की धड़कन 72 से कम हो जाती है, और जब हृदय की धड़कन धीमी हो जाती है तो हृदय की आयु बढ़ती है। 25 मिनट की प्रणव साधना 10 किलोमीटर की दौड़ के बराबर है। इसे करने से मनुष्य तनाव मुक्त तो होता ही है, पर आहार भी कम हो जाता है। शरीर और मन कई बीमारियों से मुक्त होते हैं। शरीर का मेद ऊर्जा में बदलने लगा है।